अभी उधर जलाएंगे, इधर जला नहीं जाता है। करण भी हो रहा है। शैफाली, शैफाली बग्गा है, शैफाली गरी वाला। अरे वहाँ पूरा मामा चौकी है भाई, कहाँ हटा ना रहे इसको। ये भाई तू ले ले, मेरे को जाने भी चलो, कैमरा बिगाड़ा नहीं, मेरे को पूरा बिगाड़ दिया मेरे को, ये तो पूरा बिगाड़ दिया, अरे कैमरा ही नहीं, आ जा गिर नहीं, थोड़ा नीचे ले, नीचे ले ले, कितना ले लिया, एक सर पे ले लिया, आटो अली। अरे निकाला नहीं क्या भाई उधर? नहीं नहीं फिर लो अपने सारा अरे वो जलाने वाला है, अभी जा रहे हैं। अरे क्या भाई, देखो देखो ये देखो, अरे वो उसको जलाने को गए। चल भीड़ में कूदना पड़े। अरे है कौन ये? यहाँ मैं रही हूँ, आवाज गाना बाउंस होती हूँ। ठीक है ठीक है, यू गो टू सेफ हाउस क्या? ठीक है, तो मैं आपको उधर मिलता हूँ, उसके घर पे सेठ के घर पे। चलो चलो, दो बाइट आप मेरा, आपसे आपका इमोशनल जो एक पहलू है सिद्धार्थ को लेकर, हाँ। मैं जानना चाहूंगा जब आपका इमोशनल पहलू जो है, जो आप अंदर गए जब, वो एक बड़े भाई जैसे था मेरे लिए, और सिड ने मुझे बहुत चेंज किया, मेरे पूरे चेंज होने के पीछे अगर किसी का बहुत बड़ा योगदान रहा है तो सिद्धार्थ शुक्ला। और आई रियली वांटेड टू मीट हिम राइट नाउ बट वो नहीं हो पाया, सो आई एम नॉट रियली हैप्पी अबाउट इट। एंड आप अंदर जाना चाह रहे थे, आप अंदर नहीं जा पाए। मुझे बहुत मन था, मुझे एक आखिरी अलविदा कहना था सिड को, अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि सिड नहीं है, मुझे वो जब तक मैं देखता नहीं मुझे नहीं यकीन होता, मगर अनफॉर्चुनेटली कोविड प्रोटोकॉल्स के से वी कांट गो इन। पहली बार आपका मिलना बिग बॉस में हुआ था? मेरी इंट्रोडक्शन बिग बॉस में सिद्धार्थ शुक्ला के थ्रू हुई थी, सलमान सर और सिद्धार्थ शुक्ला ने मेरी इंट्रोडक्शन करवाई थी बिग बॉस में, तब से लेके अब तक मैं, यू नो, आई हैव लुक्ड अप टू सिड सिंस बिग बॉस 14। सो अब जब वो चले गए तो उनकी, आपने कहा कई सारी बातें उनको, उन्होंने आपको समझाया जी, कौन सी ऐसी बात है जिसको आप जिंदगी भर याद रखेंगे? मैं जिंदगी भर एक चीज पर अमल करने वाला हूँ, वो सिद्धार्थ ने मुझे जाते हुए एक हफ्ते पहले मुझे मिला था सिड, उसने मुझे बोला था कि मैं तेको जल्द ही नंबर वन सिंगर बनते देखना चाहता हूँ, और वो चीज बहुत ज्यादा रह गई है अंदर मेरे, तो आई वुड वॉन्ट टू लिव दैट ड्रीम बिकॉज कौन है ये? जय माही।